Good morning everyone. So this is the third video for your chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. In your previous video we discussed about the ideas of nation. हमने देखा था कि नेशन का आइडिया क्या था, लोग कैसे एक नेशन को आइडियलाइज करने लगे थे, एक आइडियल नेशन लोगों के अकॉर्डिंगली क्या था, कैसा वो रूल चाहते थे, कैसा वो गवर्नेंस चाहते थे. सो दैट लेड टू ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की, कैसे लोग सॉवरेन और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की टूवर्ड्स इंक्लाइन होने लगे और मोनार्की को गिव अप करने लगे. सो ये सब था फ्रेंच रेवोल्यूशन. यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल एज इन क्लास 9th ऑल्सो. सो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर कभी भी कहीं भी कोई रिवोल्ट हुआ है, दैट रिवोल्ट विल ऑलवेज इंस्पायर पीपल. हमेशा लोग उससे इंस्पायर्ड रहेंगे. दे विल ऑलवेज फील लाइक कॉपिंग द रिवोल्ट, और यू नो दे विल फील लाइक दैट इफ अदर्स कुड वाई कांट वी. अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. सो सेम वॉज विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने फ्रांस के लोगों ने जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गिव अप कर दिया, ये बहुत इंस्पायरिंग था बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए. ओके, दे ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज यू ऑल नो दैट नोबडी लाइक्स टू बी अंडर डोमिनेंस. कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसे बहुत अच्छा लगता हो कि कोई एक्सटर्नल पावर आए या कोई किंग आए जो हमें रूल करे, हमें गवर्न करे, हमें इंस्ट्रक्ट करे और हमारा कोई भी से ना हो डिसीजन मेकिंग में. नोबडी लाइक्स दैट. एवरीबडी लाइक्स दैट दे शुड हैव एन आइडेंटिटी. दैट वॉज वॉट इट वॉज गिवन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज ला पैट्री एंड ली सिटोयन, फादर लैंड एंड द सिटीजन्स. सो सेम हैपन विद अदर यूरोपियन कंट्रीज. ये रिवोल्यूशन के जो आइडियाज थे वो वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह स्प्रेड होने लगे. अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में लोग रिवोल्ट करने लगे. ये फ्रेंच रिवोल्यूशन इतना इंस्पायरिंग था लोगों के लिए. नाउ गेटिंग बैक टू फ्रांस, इफ यू रिमेम्बर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है दैट जब लुई 16 अपना पावर गिव अप करते हैं तो जैकोबिन्स क्लब पावर टेक ओवर करता है. और उस समय कौन हेड कर रहा था जैकोबिन क्लब को? सो ही वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. सो रॉबेस्पियर जो थे उस समय वो हेड कर रहे थे जैकोबिन क्लब को. सो ऑब्वियसली जैकोबिन क्लब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, लोगों को अपराइट करने में, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड करने में. वेन लुई सिक्सटीन गेव अप द पार सो उस समय क्या हुआ, रॉबेस्पियर हेड करने लगे एंड ही बिकेम वेरी डिक्टोरियल इन नेचर. वो इतने ज्यादा डिक्टोरियल हो गए थे नेचर में दैट हिज रूलिंग टेन्योर इज टर्म्ड एज रेन ऑफ टेरर. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. ओके, सो सेम हैपन विथ रॉबेस्पियर. सो रॉबेस्पियर जब पावर में आए वो इतने ज्यादा डिक्टोरियल हो गए कि वो भूल गए कि उन्हें सबसे पहले सुप्रीम जो थी वो थी लोगों की इंटरेस्ट. He should have acted according to the interest of the people. But what he started doing is that he started acting according to his interest, his ideologies, his mindset. So he became such a dictator that he should not even listen to his own officials. He started giving death sentences to his officials. Means whoever went against Robespierre's demands, whoever went against Robespierre's decisions, they all were either murdered or they were given death sentences. So he became a very dictatorial in nature. He became an absolute dictator. So jab Robespierre hate, directorial form of government aaya. Directorial form of government mein 5 logo ka ek committee tha. There were 5 members in it and they used to take decisions. So this complete process of directorial form of government jo tha wo bahut time taking hua. So France us samay kya kiya, France ne invite kiya Napoleon ko. So Napoleon Bonaparte was invited to France. फ्रेंच पीपल जो थे वो इन्वाइट करते हैं बिकॉज एट दैट टाइम नेपोलियन वॉज टर्म्ड एज हार्मिंगर्स ऑफ लिबर्टी. लोगों ने देखा कि नेपोलियन ही एक ऐसा रूलर था जो कि इक्वालिटी में बिलीव करता था. दैट मीन्स ही हैड अ मॉडर्न आउटलुक. वो उसकी बहुत मॉडर्न आउटलुक थी. सो जब नेपोलियन फ्रांस में आया उसने नेपोलियनिक कोड को इनैक्ट किया. ओके, ही इंट्रोड्यूस द नेपोलियनिक कोड विच इज पॉपुलरली नोन एज सिविल कोड. सो अंडर नेपोलियनिक कोड बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज इंट्रोड्यूस हुए. नाउ व्हाट वर द मॉडर्न आइडियाज? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर. सो यूनिफॉर्म सिस्टम दिया गया वेट एंड मेजर का. ओके, दैट मीन्स अगर 1 kg
का वे 1 kg मीन्स 1000 grams अगर इंडिया में है तो वो कहीं भी उसका वेट उसका वैल्यू सेम होगी. ओके ही अबॉलिश द बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस दैट मीन्स ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम पहले फॉलो होता था दैट इफ यू आर बॉर्न इन अ नोबल फैमिली ऑटोमेटिकली यू बिकम अ नोबल. इफ यू आर बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्जी यू ऑटोमेटिकली बिकम अ क्लर्जी. सो दिस ही अबॉलिश दिस पॉलिसी ही अबॉलिश दैट इज ही अबॉलिश द बर्थ बेस्ड प्रिविलेज. बर्थ बेस्ड प्रिविलेज को हटा दिया. इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट मीन्स ही गेव इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट एवरीबडी इज इक्वल. हर एक पर्सन if he is belonging to the particular country if he is the citizen of the country wo equal hai. secure the right to property. pehle third state ke paas right to property nahi tha. wo na zameen khareed sakte the na zameen ko own kar sakte the. they had no ownership over the property but after the Napoleonic code of 1804 they got the secured right to property. that means they could now have right to property. so By this time you must be feeling that Napoleon is so good. वो कितना सही ढंग से काम कर रहा है. उसके बहुत सारे policies जो थे वो काफी similar थे democracy से. But always remember that Napoleon was a military dictator. If you all know what is military dictatorship, you must have read few years back. The same situation was in Pakistan. People had all the liberty, but they had no political power. वो ना इलेक्शंस कर सकते थे ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते थे ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था जो उनके इंटरेस्ट को या उनके वांट को प्रेजेंट कर पाता गवर्नमेंट के पास. सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप. सो जब लोगों ने नेपोलियन को बुलाया जब फ्रेंच लोगों ने द पीपल हु कॉल्ड नेपोलियन इनिशियली दे वर वेरी हैप्पी विथ नेपोलियन बिकॉज हिज ऑल दीज आइडियाज वर वेरी मॉडर्न. ये बहुत मॉडर्न आइडियाज थे नेपोलियन के. जब वो कंट्री में आया जब वो उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया देन दे रियलाइज दैट लोगों के पास पॉलिटिकल पावर्स थे ही नहीं. सो ऑल दीज राइट्स वर ऑफ नो वैल्यू बिकॉज लोगों के पास अपना कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था. वो चाह के भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे. जो भी गवर्नमेंट रूल पास करती उन लोगों को वो एक्सेप्ट करना होता था. सो दैट मच लेटर पीपल दे गॉट वेरी tensed with it and they started revolting against Napoleon. So there are some reasons that I have noted down here that reasons for the downfall of Napoleon. Napoleon agar itna acha work kar raha tha to uska downfall kyun hua. Took away the political freedom of the people. Wo sara political freedom logo se le chuka tha. That means people had no right in the politics. Despite being a French citizen, a French could not participate in the governance. ये पूरा political scenario जो था जो फ्रांस का जो political scenario था वो पूरा किसके control में था? Napoleon के control में. He became the single-handed controller of all the political matters of France. Okay, so Napoleon was a military dictator. So his dictatorial nature was one of the reason for the downfall of Napoleon. Now when was he defeated? So he was defeated at the Battle of Waterloo. So that was your fourth video for this chapter. In your previous videos we have already discussed about the rise of nationalism in France. You have read about the rise and fall of Napoleon, how Napoleon lost the Battle of Waterloo. Now you'll be reading about rise of nationalism in Europe. So you have already read कि France was the birthplace of the revolution. France ही वो जगह थी यूरोप में जहां पे revolution first start हुआ. अब वो धीरे धीरे वो revolution या वो revolutionary ideas पूरे यूरोप में बाकी सारे countries जो यूरोप में थे उनमें spread होने लगी. But major challenge क्या था? Major challenge था कि despite all these diversities लोगों को कैसे common identity दी जाए. ओके लाइक यू हैव ऑलरेडी रेड कि फ्रांस में द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैट्रा एंड ली सिटोयन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सो बाकी जगहों पे बहुत सारे वेरिएशन थे जैसे रीजनल स्टेट्स थे बहुत छोटे छोटे किंगडम्स और स्टेट्स डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे वर डिवाइडेड मीन्स बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स वो बोलते थे. सो दे वर अंडर वेरियस एम्पायर अलग अलग एम्पायर के अंडर में थे. अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते थे अलग रिलीजन अलग कल्चर फॉलो करते थे. सो दीज ऑल वर द वेरियस डाइवर्सिटीज दैट एग्जिस्टेड इन यूरोप. अलग कंट्रीज में सारे लोग बहुत डिफरेंट थे अपने लैंग्वेज
लैंग्वेज में, अपने रिलीजन को लेके. सो इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू असेंबल ऑल दीज पीपल, इन सारे लोगों को एक साथ लाना और फिर एक साथ मोबिलाइज करके, यूनाइट करके लड़ाई करना वॉज वन ऑफ द मेजर चैलेंज. सो ना आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, अब आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुई यूरोप में, विल रीड दैट. सो फ्रेंड्स, सोसाइटी बाय दैट टाइम वॉज डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज, नॉट क्लास, कैटेगरीज, द एरिस्टोक्रैट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास. यू नो एरिस्टोक्रैट्स, एरिस्टोक्रैट्स सारे कंट्री में होते थे उस वक्त, सारे कंट्री में होते थे. दे वर बेसिकली यू कैन से द रूलिंग क्लास, किंग, नोबल्स, मिनिस्टर्स, ये सारे एरिस्टोक्रैट्स होते थे. सो ये एरिस्टोक्रैट्स जो होते थे वो खुद को सुप्रीम मानते थे सोसाइटी में. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द एरिस्टोक्रेसी वर टायर्ड और दे वर रिलेटेड टू ईच अदर विद द टर्म्स ऑफ मैरिज. लाइक एक एरिस्टोक्रैट के बॉय की शादी एक एरिस्टोक्रैट के गर्ल से ही हो सकती थी. दे शुड नॉट मैरी अदर सेक्शन ऑफ दे शुड नॉट मैरी इन द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So this was about aristocrats. Now the new middle class. You have already read in class 9 the emergence of new middle class. So जब trade start हुआ, जब industrialization आया, जब trade start हुई, so लोगों के पास उस समय traders के पास, merchants के पास पैसे आ गए. So they felt that जैसे aristocrats के पास पैसे हैं, the way they have money, they are rich. Similar are we. So why do they have parts and why we are the unprivileged ones? Why we do not enjoy the privileges? So, फिर new middle class ने क्या किया? They started educating themselves. वो पढ़ाई करना start कर दी. And you all know that education is the one that can bring enlightenment. So same happened with the new middle class. जब वो पढ़ाई लिखाई करने लगे, they realized that we are equals. So that was the cause of conflict between the aristocrats and the middle class. And what were the cause of the conflicts? Ideas they both had. Diverse ideas. They felt that aristocracy should enjoy all the parts, whereas new middle class felt that everybody is equal and the equality, the phenomena of equality should be followed. Political, aristocrat felt that political matters or political power should rest in the hand of aristocrats, whereas new middle class felt that one who is deserving, one who is commanding, one who is administrating should hold the political powers. Social, so they felt that aristocrats felt that they were supreme in the society, whereas new middle class felt that everybody was equal. Society was should be based on equality rather than being based on the birth based privileges. So these all ideas gave birth to idea of liberal nationalism. People got the idea of liberal nationalism. That means, you know what is the meaning of liberal? Liberal means not to be rigid with something, rather to be so flexible that it should suit to all the people. It should satisfy the wants of the people. So these ideas gave birth to ideas of liberal nationalism. So we have done this particular thing. We have done the aristocracy and the new middle class. In the new next video, we'll be discussing what did liberal nationalism stand for. So we'll be discussing in detail about the liberal nationalism. Thank you.